press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. बिग बॉस के 12वें सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पार्टिसिपेंट्स के सिलेक्शन के लिए 15 जून तक ऑडिशन लिए जाएंगे। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जिसे प्रतिभागियों को पॉपुलैरिटी भी दिलाता है और पैसे भी। बिग बॉस में विनर को 50 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। बिग बॉस में सेलिब्रिटीज के साथ ही आम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसलिए ये ऑडिशन लिए जा रहे हैं। शुरुआती सीजन में सिर्फ सेलिब्रिटी को ही बिग बॉस के घर में एंट्री दी जाती थी। आम लोगों के लिए शो में एंट्री की ये प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर ऑडिशन दे सकती हैं। कंटेस्टेंट्स का अंतिम चयन शो के सिलेक्शन कमेटी करती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक बिग बॉस 12 में इस बार कंटेस्टेंट जोड़ी में नजर आने वाले हैं। शो में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें जोड़ी में ही ऑडिशन देना होगा। इसमें भाई, बहन, दोस्त, बॉस, माँ, पत्नी, कोई भी जोड़ी बन सकता है। कलर्स चैनल की तरफ से ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले www.voot.com/bigboss वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ एप्लीकेंट 1 और एप्लीकेंट 2 के लिए अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। फॉर्म में बेसिक डिटेल्स के साथ फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही अपनी फोटो भी अपलोड करना जरूरी है। इसमें 18 साल की उम्र पूरी कर चुके लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को ऑडिशन वीडियो बनाना होगा। इसमें आप कहां से हैं, आपकी पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस और जॉब जैसी जानकारियां देनी होंगी। वीडियो की मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 मिनट होनी चाहिए। ऑडिशन पीरियड के दौरान कभी भी इस वीडियो को वूट की वेबसाइट पर जाकर वीडियो अपलोड किया जा सकता है। इन वीडियोज का रिव्यू करके सिलेक्शन कमेटी तय करेगी कि आपको बिग बॉस 12 में एंट्री मिलेगी या नहीं।